अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं अपने दोस्त अरशद साहब के साथ ही हूँ। हम जा रहे हैं, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अरशद साहब को मैं वैसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं मुझसे, और मैं चाचा अरशद ही कहता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त ही है। लेकिन इसको एक ऐसे नशे की लत पड़ी हुई है कि मुझे भी उस नशे के आदि बना दिया। लेकिन आप लोगों को बताता जाऊँ, वैसे हम हर जुम्मे को जाते हैं, लेकिन आज चाचा अरशद जो है मुल्तान से आ गए, तो कह रहे कि नहीं आज ही जाने हैं, क्योंकि मुझसे मजीद सबर नहीं हो सकता। रमज़ान मुबारक में हम एक ही बार गए हुए हैं, वो तकरीबन साल हो गया, मुझे भी इस नशे का आदि बना दिया। अब इस नशे के बगैर गुजारा नहीं होता, तो मैंने कहा चलो जी चलते हैं, अभी बाइक पे जा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं हम कौन सा नशा करते हैं। लेकिन एक और बात बताता हूँ, बताऊँ आप लोगों को कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चाचा अरशद ऐसे इंसान नहीं है कि हराम नशा कर रहे हैं, ये हलाल नशा है। अब आप लोग हैरान होंगे कि ये हलाल नशा कौन सा हो, तो चलो मेरे साथ चलते हैं और आपको दिखाते हैं मैं और चाचा अरशद कौन सा नशा करते हैं। दूसरी बात बताता जा आप लोग बताते हैं, ये असल में है ना, जब दोस्त अपने दोस्त को नशे का आदि बनाते हैं ना, तो पता है क्या गेम खेलते हैं, पहले 3-4 बार अपने जेब से खर्चा अदा करते हैं, फिर जो है ना उसके बाद मतलब ये है कि कंट्रीब्यूशन आधा आधा। चाचा मैं पहले इन चीज़ों का आदि नहीं था, और माशा जी। तो मेरे मुख्तरम दोस्तों, हम बाहर पहुंच ही गए, तो देखते हैं मेन्यू में क्या नशा क्या है, नशे के बारे में बता जी। अरशद साहब, अरशद भुट्टा साहब, चाचा जी, चाचा अरशद बिल्कुल देसी स्टाइल में बैठे हुए हैं, मुल्तान से आए हुए हैं, काफ़ी थका हुआ है, और अभी हमने ऑर्डर दिए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि चाचा जी का पसंदीदा चीज़ क्या है, अभी इंशाल्लाह जब आएगा सामने, ठीक है, इसका मतलब नाम नहीं शो करें कि हम कहाँ पर आए हुए हैं। फ्री में एडवर्टाइजमेंट थोड़ी करनी है, हमने एडवर्टाइजमेंट किसी की नहीं करनी है, हमें पसंद है, किसी को पसंद हो आए तो अच्छी बात है। और तो देखते हैं कि ये कौन सा नशा है। चाचा जी काफ़ी शदीद भूखे हैं और इंतज़ार में ये देसी स्टाइल में बैठे हुए हैं। तो चाचा अरशद की रौनक देख आ गई जी, ये देख रहे हैं। और जी मेरा मोहतरम दोस्तों, ये वही नशा है, ये शेवर नहीं है, देसी मुर्ग है चाचा अरशद, देसी मुर्ग, और ये देसी घी में तैयार किया गया है, ठीक है, मक्खन भी है। तो चाचा अरशद काफ़ी खुश हो गए। तो मेरा मोहतरम दोस्तों, फिर अभी देखते बिल कितना आता है इसका, बिल्कुल फिर जो है ना रोना ख़त्म ही हो जाता है जैसे ही बिल देखते।